आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट बाजार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 20 सितंबर है, केवल 10 दिन बचे हैं मानसून समाप्ति के। और आपको मालूम है कि 1 जून से लेकर के 30 सितंबर के बीच में 800 किलोमीटर बारिश होती है, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज की बारिश कही जाती है, यानी कि ये पूरे मानसून की पूरे भारत को बारिश मिलती है। पिछले साल अलनीनो था और उस समय हमने देखा कि जो मानसून की बारिश है वो कम हुई थी, 94% हुई थी। 96 से लेकर के 104%, यानी 96 से 104% जो एवरेज रेनफॉल है इसका अगर होता है तो उसको नॉर्मल मानसून कहा जाता है। हमने जो अनुमान लगाया था 102% का, यानी अपर साइड ऑफ नॉर्मल का अनुमान लगाया था, और मौसम विभाग ने 106% का लगाया था अबव नॉर्मल का। तो अबव नॉर्मल मानसून होने वाला है, उसका भी कारण है, उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ऐसा लग रहा था कि जो हमने जो बताया था कि मतलब लानीना बनेगा, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा, लेकिन न तो इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव रहा न लानीना बना। लानीना आपको मालूम है कि जब भी लानीना होता है तो मानसून कुछ अच्छा होता है साउथ ईस्ट एशिया का, मतलब एक कोरिलेशन है इस तरह का। लेकिन अलनीनो का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अलनीनो होता है तो ज़्यादातर मानसून करप्ट होता है, यानी कि वो एक कह सकते हैं कि बिलो नॉर्मल या ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाती है। तो अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में अबव नॉर्मल और नॉर्मल मानसून ज़्यादा रहा है। केवल 15 साल की अगर बात करें, मतलब 10 साल की बात करते हैं, तो उसमें 2 ओकेजन ऐसे थे जब ये बिलो नॉर्मल मानसून रहा है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल या अबव नॉर्मल रहा है। तो एक कह सकते हैं कि एक नया नॉर्मल सेट होता जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि 10-20 साल के लिए मानसून की बारिश कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है अभी आगे अगर 4-5 साल इसी तरह का वो एपिसोड रहता है कि नॉर्मल या अबव नॉर्मल ही रहता है, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो भारत है इस फेज में आ गया है कि जो मानसून की बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होने लग जाएगी। लेकिन इस बार का मानसून जैसे थोड़ा सा एक अपवाद था, जैसे हमने पहले भी कहा था कि बिहार में इस बार बाढ़ नहीं आई, और असम में आई थी तो केवल जुलाई में आई, उसके बाद नहीं आई। और यूजुअली क्या होता है कि बिहार में भारी बारिश होती है, लेकिन इस बार बिहार डेफिशिएंट रहा, असम में बाढ़ नहीं आई। लेकिन गुजरात में पिछले कुछ सालों से लगातार बाढ़ की स्थिति बन रही है, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में मानसून तो बहुत अच्छा रहा, यानी कि एक जो महीना था बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो लगातार हैवी रेन होती है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वो वहाँ देखने को नहीं मिला। लेकिन वायनाड में जो केरल में वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये थोड़ा सा मानसून अलग हटके था, और अभी ज़्यादातर इलाकों को अच्छी बारिश मिल चुकी है। लेकिन पंजाब, अगर मैदानी भागों की बात करें तो पंजाब और बिहार रेन डेफिशिएंट है, उत्तर पूर्वी राज्य लगातार रेन डेफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो नॉर्मल एवरेज रेनफॉल है काफ़ी ज़्यादा होता है और वो एवरेज पूरा नहीं हो पाता, कि अब जो क्लाइमेट चेंज के कारण वहाँ की बारिश थोड़ी सी कम होती जा रही है। अब आगे मौसम कैसा रहेगा इस पर बात कर लेते हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, एक ट्रफ है, एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी बना हुआ है, लेकिन ये कमजोर हो जाएगा ये वाला जो उत्तर भारत पर है। लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में है, ये अब जल्दी जल्दी यहाँ आएगा, बहुत जल्दी पहुंचेगा, और इस जगह पर हम कह सकते हैं कि ये अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन भी जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ के आसपास, और आगे आकर के मध्य प्रदेश या विदर्भ के ऊपर आकर के, विदर्भ और मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश और विदर्भ के ऊपर आकर के डिप्रेशन बन सकता है। तो इसका ये रूट इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा और इसी जगह ये स्थित रहेगा। तो ये एक नया सिस्टम है, 5वां डिप्रेशन है जो बहुत कम देखने को मिलता है। एक के बाद एक डिप्रेशन बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर भी कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का भी कह सकते हैं, कि ये लगातार 5वां डिप्रेशन मानसून के सीजन में बन रहा है और ये मानसून को पीछे नहीं आने दे रहा, यानी कि विड्रॉल जो डेट है 17 सितंबर की वो उसको छूने नहीं दे रहा। ऑलरेडी हम 17 सितंबर को पार कर चुके हैं, 20 सितंबर पर आ गए हैं, और जैसे हमने पहले देखा है कि पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो मानसून 20 सितंबर के बाद ही ज्यादातर एक ओकेजन को छोड़ करके विड्रॉ होना शुरू हो जाता है, यानी कि नया नॉर्मल एक तरह से इसको भी कहा जा सकता है। तो अब जो है ये बारिश की गतिविधियां एक बार फिर 25-26 तारीख को हमें लग रहा है कि उत्तर भारत में दिखाई दे जाएंगे, तो उसके कारण मानसून को अभी विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, कि अभी कंडीशन इस तरह की फेवरेबल नहीं बन रही है। और जो बारिश की गतिविधियां हैं अगर देखा जाए तो अब ये अभी जो मानसून देखेंगे कितना है, तो ये अगर 19 तारीख तक देखें तो 7% ऊपर है मानसून, और अगर वैसे देखें तो ये आज की सैटेलाइट पिक्चर है, इसमें आप देखिए ये जो बादल आना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, ये आपका उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो इस तरह से आज होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर ये देखा जाए तो आप देखिए
पहाड़ों पर तो अभी फिलहाल कोई भी वेदर एक्टिविटी अगले दो तीन दिनों तक तो दिखाई नहीं देगी। उत्तराखंड में दो दिन के बाद फिर से हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे जाएंगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये इलाके और हिमाचल प्रदेश का इलाका शुष्क रहेगा। उत्तराखंड के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा जो आप देखेंगे, ये पूरा इलाका, गंगा के मैदानी क्षेत्र पूरी तरह शुष्क रहेगा। बादल वादल छाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है, ये आज का है। और उसी तरह से राजस्थान और गुजरात में भी बारिश बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरह से ड्राई ही रहेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की फुल्की बौछारें, एक दो स्थानों में जो खंड वर्षा होती है वही दिखाई देगी, अगर आप मान के चलें। इससे पहले हमने कहा था कि हनुमानगढ़ और उसमें बारिश नहीं होगी, लेकिन जो दिल्ली में जो 18 तारीख को पहुंचा था, तो उसी का जो इफेक्ट था जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर दिखाई दे गया था, पर पंजाब में भी कुछ बारिश हुई थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू और ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। अभी यहाँ बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम बात करते हैं, आप और आगे अगर चलते हैं, तो आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश है, ये जो वेदर सिस्टम आ रहा है, इसी की बात कर लेते हैं मैंने, तो ये दक्षिणी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश देगा, उत्तरी छत्तीसगढ़ को छोड़ देगा फिलहाल अभी, और ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना, ये सारे इलाकों में ये इसका इम्पैक्ट दिखाई देने लग जाएगा आज से ही, आज शाम से, और उसके बाद बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी इस इलाके में बढ़ सकती हैं। अगर हम देखें तो इन सारे इलाकों में, अगर ये देखिए, ये पूरा इलाका काफ़ी अच्छी बारिश देख सकता है। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद अगर और आगे चलते हैं, तो कल अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में आप देखिए थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी, लेकिन बिहार वगैरह सारे सूखे रहेंगे। झारखंड में हल्की फुल्की बौछारें, बहुत हल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जो उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये जो इलाके हैं, सागर वगैरह, और जो देवास, सियोनी, साजापुर, सीहोर, और ये जो अपना उज्जैन है, रतलाम है, ये अलीराजपुर, बड़वनी, खांडवा, खरगोन, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगे। लेकिन ग्वालियर संभाग, रीवा, सिवनी, सतना, टीकमगढ़, इस इलाके में चांस नहीं, नीमच वगैरह में भी चांस कम दिखाई दे रहा है। ये है आपकी 21 तारीख की, और 22 तारीख की अगर देखेंगे तो 22 तारीख को थोड़ा सा और आगे वेदर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ग्वालियर और नीमच वगैरह ये सारे सूखे ही रहने वाले हैं, इसी तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में दो दिन के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, और झारखंड के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, और गंगे पश्चिम बंगाल में भी इसका असर अब दिखाई देने लग जाएगा 21-22 तारीख से, और उड़ीसा के भी 22 तारीख को, उड़ीसा 22-23-24 तारीख को उड़ीसा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना के, तो तेलंगाना में इस वेदर सिस्टम का असर पड़ेगा, क्योंकि यह तेलंगाना के आसपास से ही जाएगा, तो तेलंगाना में एक तरह से फिर से मानसून एक्टिव होने की संभावना दिखाई दे रही है अगले चार दिनों तक लगा के चलिए कि तेलंगाना के कई जिले बारिश देखेंगे। आदिलाबाद, खम्मम, निजामाबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेडक और वारंगल, ये हैदराबाद, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में नागपुर, अमरावती, अकोला, गोंडिया, वाशिम, भंडारा, बुलढाणा, ये सारे इलाके पहले तो आज और कल में बारिश की गतिविधियां विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में रहेंगी, और 23-24 तारीख से मुंबई, थाने, दानू, इन सारे इलाकों में भी ये बारिश की गतिविधियां आप देखेंगे आ जाएगी, ये सारे इलाकों में भी दिखाई देगी। ये पूरा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि पूरा जो महाराष्ट्र है अगले 3-4 दिनों तक बारिश देखेगा। लेकिन गुजरात में अभी फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन 26-27 तारीख को पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर और राजकोट से लेकर के अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, वलसाड़, डांग, पंचमहल, तापी, छोटा उदयपुर, ये सारे इलाके, गोधरा वगैरह, इन इलाकों में बारिश की संभावना उस समय नजर आ रही है, जो दो तीन दिनों तक रहेगी, और एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। तो ये महाराष्ट्र कवर हो गया, सारा कवर हो गया। अब अगर देखें तो कर्नाटक में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो जाएगा, गुलबर्गा, गडग, कोपल, धारवाड़, ये जो अंदरूनी उत्तरी आंध्र कर्नाटक है, यहाँ पर अच्छी बारिश रहेगी। और उसी तरह से ये जो नेल्लोर, कुडप्पा, अनंतपुर, ये जो इलाके हैं रायलसीमा के, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में चांसेस बहुत कम है, बेंगलोर, मैसूर, चामराजनगर, तुमकुर वगैरह में बहुत हल्की बूंदाबांदी ही होगी, कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तमिलनाडु और केरल में भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, लक्षद्वीप में भी चांसेस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, और अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इस तरह का आगे मानसून रहने वाला है। तो ये जो वेदर सिस्टम है, ये आपका
कम से कम 26-27 तारीख तक रहेगा, और 26-27-28 तारीख को जो पंजाब है, हरियाणा के कुछ इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।